नमस्कार दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज में स्थित बड़ी कोठी पे। 400 साल पुरानी यह कोठी अब एक होटल और रेस्टोरेंट में बदल दी गई है। इसकी खूबसूरती इसके दीवार पर बने नक्काशी है, जो कोठी को बेहद खूबसूरत बनाता है। इस कोठी को जैसलमेर के कारीगरों ने तैयार किया था। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जिसमें कुछ पार्ट 600 साल पुराना है, कुछ पार्ट 400 साल पुराना है। ये बेसिकली जो है शेरशाह सूरी के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। बाद में ये अकबर के अंडर में आई, जिसमें अकबर के नवरत्न थे टोडरमल जी, जिसमें ये टोडरमल जी को दी गई थी ये कोठी। टोडरमल अकबर के नवरत्न में से भी थे और उनके वित्त मंत्री भी हुआ करते थे उस समय। उनको ये रहने के लिए दी गई थी ये कोठी। ये कोठी जो है राजस्थानी पत्थर, जिसको बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन कहते हैं, उससे बनी हुई है। राजस्थान के जिला जैसलमेर के कारीगरों के द्वारा ये बनवाई गई है। कोठी की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। कहते हैं कि इस तरह की कोई दूसरी कोठी ना बने, इसलिए मुख्य कारीगर के दाएं हाथ की पांचों उंगलियां काट दी गई थी। यह कोठी भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जुड़ी हुई है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान लोग यहाँ आया करते थे और यहीं से कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रचार होता था। जवाहरलाल जी जैसे यहीं से थे, हमारे इलाहाबाद से ही, और लाल बहादुर शास्त्री थे, अदर्श जो भी कांग्रेसी थे, वो लोग यहाँ आकर के अपनी सूचनाएं, अपनी जो भी गुप्त खबरें हुआ करती थी, उसको प्रिंट किया करते थे, प्रिंट करके यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी यहीं से कांग्रेस का काम देखते थे। उनका कमरा आज भी मौजूद है, जहाँ पर उनका एक बंद बक्सा पड़ा है। इसके अलावा यहाँ लोहे के बने बक्से, लोहे की बनी तिजोरियाँ, एक जेल और 3 तहखाने मौजूद हैं। तो जाइए, वहाँ का खाना का स्वाद के साथ साथ वहाँ के कुछ यूनिक चीज़ों को भी देखिए और प्रयागराज के एक खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भीख मक्कड़।